हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी फ्यूचर फॉर टुमारो। तो आज हमने निफ्टी फ्यूचर में लगभग अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखी और लगभग हम 51 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं 0.3% 17,266 पे। तो चलो एनालाइज करते हैं कि कल कैसा ट्रेड रहेगा। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है तो यहाँ गेन दिखा रहा है, मगर फॉर वीक जो है तो 90 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये नीचे बंद होता है तो ये सेकंड वीकली लॉस होगा। हम जहाँ खुले थे उससे ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए वो कैंडल जो है तो आपको ब्लू दिख रही है, मगर आप जो पिछले वीक से कंपेयर करोगे तो हम लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ ये सेकंड वीकली लॉस होगा निफ्टी के लिए अगर हम नीचे बंद होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है चार्ट देख के कि हम जो है तो शायद नीचे के ही लेवल पे बंद हो गए, जिस तरह से जो रिस्क बिल्डअप हो रहा है रशिया की तरफ से। तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हमने अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया था और जो मेरे टारगेट थे, मैंने 17,500-17,600 के टारगेट बताए थे। 17,500 तक हमने हाई देखा था और वहाँ से फिर से जो है तो रेजिस्टेंस लेकर मार्केट जो है तो नीचे ट्रेंड हो रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो लास्ट दो दिन से जो है तो निफ्टी जो है लगभग नेगेटिव में बंद हो रहा है। ज़्यादा कुछ हम गिर नहीं रहे, मगर ये नेगेटिव क्लोजिंग जो है तो सजेस्ट कर रही है कि जो बाउंस बैक था वो रिजेक्ट हो चुका है और ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। तो यहाँ जो है तो कल के लिए मेरा यहाँ निफ्टी पे सेल ऑन राइज भी रहेगा। मेरे हिसाब से आपको जो है तो 300, 350 और 400 इन लेवल पे जो है तो निफ्टी को सेल करके जाना है। और नीचे जो है तो मुझे लगता है फिर से हम जो है तो पिछले लोज या फिर हो सकता है कि 16,700 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ सेल ऑन राइज भी रहेगा मेरा। और ये जो व्यू है ये एक दिन के हिसाब से नहीं है, ये कम से कम नेक्स्ट 2 to 3 days, क्योंकि कल तो फ्राइडे है, उसके बाद में मंडे ट्यूसडे तक ये व्यू चलेगा। तो अगर आपको इंट्राडे के लिए पोजिशन लेनी है तो आप इंट्राडे में देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, मगर मोस्टली मेरा जो ट्रेड रहेगा वो बेरिश साइड पे रहेगा। और मैं 300, 350 और 400 के लेवल पे अगर बाउंस बैक मिलता है निफ्टी में तो मैं बेचना पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है तो फिर से 16,900 से लेकर 16,700 के लेवल जो है तो टच कर सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं आवरली चार्ट पे क्या पिक्चर है। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो तो यहाँ जो है तो हमने अच्छा खासा गैप डाउन के साथ शुरुआत की थी, अच्छा खासा नीचे गए, फिर से जो है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आई और यहाँ जो है तो जो भी गैप थे वो लगभग हमने पूरा फिलअप किया है। अभी एक गैप बचा है ऊपर का, तो यहाँ जो है मगर उस गैप को हमने टच करने की कोशिश की थी, उसको फिलअप करने की कोशिश की थी, मगर जो 200 आवर का जो एवरेज है वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है। और ये जो है तो ये रिजेक्शन शायद अच्छे खासे सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा व्यू रहेगा कि सेल ऑन राइज व्यू, आपको जो है तो 450 के जितना नज़दीक बेचते आएगा निफ्टी तो उतने नज़दीक बेचिए, या फिर आपको जो है तो फिर बाउंस बैक पे एक एक लॉट ऐड करते जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 550 और जो नीचे टारगेट मुझे लगते हैं वो लगते हैं 16,900 से लेकर 16,700 के। तो इन दो टारगेट के लिए हम जो है तो निफ्टी में सेल ऑन राइज व्यू अप्लाई करेंगे और यहाँ जो है तो हम बेचेंगे 300 और 400 के रेंज में। 550 का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 450 में भी मिलता है मुझे तो नहीं लगता वहाँ तक जाएगा। हो सकता है कि कल जो है तो शायद 300, 350 वो भी बाउंस बैक मिला तो, नहीं तो हो सकता है कि हम गैप के साथ नीचे खुले और फिर वहाँ से नीचे ट्रेंड करते जाएं। मगर अगर आपको मिलता है 350, 400, 450 पे एंट्री का मौका तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिए, 550 का स्टॉप लॉस, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,900 से लेकर 16,700। ये जो ट्रेड रहेगा ये कम से कम दो से तीन ट्रेडिंग सेशन के लिए वैलिड रहेगा और आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना है। जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी कि आप अगले वीक का जो मंथली एक्सपायरी का एट द मनी जो पुट ऑप्शन है 17,300 या फिर 17,400 जो इन द मनी होगा, अगर बाउंस बैक आता है तो वो एट द मनी भी मिल सकता है, तो उसमें आप एक्युमुलेट करते जाइए, हर 20 पॉइंट पे एक एक लॉट ऐड करते जाइए, उसमें स्टॉप लॉस सेम रहेगा। 17,550 पे अगर फ्यूचर जाता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा आपको वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर 16,900 और 16,700 पे जाता है तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में हमें जो है तो लगभग 2x गेंस देखने को मिल सकते हैं एट द एक्सपायरी।
तो यहाँ पुट ऑप्शन पे हमें, और इन द मनी पुट ऑप्शन पे अगर करते हो तो आपको अच्छा खासा 2x 3x गेन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 16,700 पे जाते हैं तो उस ऑप्शन में हमें लगभग 3x गेन भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है, तो उस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। आपका लॉट साइज जो पोजीशन है वो थोड़ा सा कम रखे, मगर आप जो मूवमेंट मिलने वाली है वो बहुत ही बड़ी रहने वाली है, तो उसके वजह से हमें जो रिटर्न्स या फिर गेंस होने वाले हैं वो भी रिलेटिवली बहुत बड़े रहेंगे। तो छोटे लॉट साइज पे भी आपको जो है तो अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो मेरा व्यू मार्केट पे बेयरिश रहेगा, और हम जो है तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यहाँ फॉलो करेंगे। और यहाँ हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे हम 17,200 का लेवल तोड़ते हैं उसके नीचे हमें अच्छा खासा सप्लाई जो है तो मार्केट में आता हुआ दिखेगा, और जो है तो वन साइडेड अच्छे खासे सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी लिंक्स जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।